ओम शांति। आज 25 सितंबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को विनाश के समय पर ईश्वरीय लॉटरी हमें कैसे मिल रही है वो बताया। साथ साथ बाबा ने हमें लक्ष्य दिया कि हमें स्कॉलरशिप लेनी है और सेवा में सच्ची सेवा करने की रेस करनी है। ऐसे ही बाबा आज हमारा ध्यान हमारी प्राप्तियों और लॉटरी पर खिंचवा रहे हैं अव्यक्त इशारों के अंदर, और साथ साथ हमें सच्ची सेवा कैसे करनी है आत्माओं की, उसके लिए हमारे अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके ऊपर भी बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तब ही अन्य आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकते हो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति नहीं रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। इस समय सारी आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता की ओर देख रहे हैं। जीवन मुक्ति का तो खैर उनको सही अर्थ पता नहीं, लेकिन दुखों से मुक्ति ज़रूर चाहते हैं। इच्छाओं से मुक्ति वो भी चाहते हैं, वो भी अपनी इच्छाओं से थक चुके हैं। दुनिया वाले भी कहने लग गए हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि कैसे इच्छाओं का अंत पाएं, इनको ख़त्म करें, कैसे संतुष्ट रहें। ऐसे समय पर बाबा हम बच्चों को हमारा जो श्रेष्ठ कर्तव्य है वो याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम देवता बनने वाले हो, लेकिन देवता हमें क्यों कहा जाता है? एक तो इसलिए क्योंकि सत्युग में दैवी गुण होंगे। दूसरा, देवता का अर्थ है देने वाला। क्या सत्युग में देवता किसी को कुछ दे सकते हैं? नहीं। वो देना का काम हमें कब करना है? वो हमें इस समय विनाश काल पर ही करना है। सारी भक्त आत्माएं जो बाबा को पुकार रही हैं, उनके सामने बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा? अपने बच्चों के संपूर्ण स्वरूप से ही प्रत्यक्ष होगा। इसलिए दैवी गुण वाला देवता हम तब बनेंगे जब यहाँ पर बाबा से वो दैवी गुण धारण करके हमने दूसरों को दिए होंगे। देना ही धारण करने की विधि है। आज बाबा ने हमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें याद दिलाई हैं अव्यक्त इशारों में। सबसे पहले तो ये कि भक्तों की इच्छा पूरी कौन कर सकता है? वो जिसकी सर्व इच्छाएं खुद पूरी हो गई हैं। देवताओं का हाथ हमेशा ऐसा देने वाला होता है। कोई देवता देखा जो ऐसे हाथ करा हो, जिसको लेने की इच्छा हो? नहीं। अगर अभी तक भी हमें कोई लेने की इच्छा है तो हम देने वाले नहीं बन सकते। तो भक्त हमारे पास आएंगे लेकिन हमें पहचान नहीं पाएंगे अपने देवता स्वरूप में, और मुड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो इसलिए भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए अब हमारा हाथ देने वाला हो। दूसरा, बाबा ने कहा कि जो देता है वो स्वयं संपन्न बनता है, क्योंकि जो दे रहा है उसी को बाबा और देता है, क्योंकि वो आगे दे रहा है। इसलिए अगर हमें संपन्न बनना है तो जो चीज़ में संपन्न बनना है उस चीज़ को लेने की इच्छा के बजाय उसको देना शुरू करें। देते देते ही हम संपूर्ण बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे, दैवी गुण हमारे अंदर धारण हो जाएंगे, और अंत समय पर यही दैवी गुण वाली मूरत जब सबको उन गुणों की अनुभूति कराएगी, तभी देवता नाम प्रसिद्ध होगा। ओम शांति।